जो कि शिवाजी महाराज के शौर्य को बताता है, शिवाजी महाराज के साहस को बताता है, शिवाजी महाराज की विलक्षण कार्य योजना करने की क्षमता को बताता है, और उस कर्म क्षमता की बनाने की योजना ही नहीं कार्यान्वयन कर ले जाने की विलक्षण क्षमता को बताता है, वह एक इतिहास का पृष्ठांकन से जुड़ा लेकिन कोई स्मारक नहीं है। और जब मैंने तो इसीलिए सोचा कि शायद या तो एडीए की बिल्डिंग या जीएसटी बिल्डिंग, ये दोनों प्राचीन बिल्डिंग है जयपुर हाउस, लेकिन इतिहासकारों ने कहा और उसकी गहराई से सोच थी, तब हम सब लोगों ने मिलकर पता किया कि मीना बाजार की कोठी यहां पर शिवाजी महाराज कहते थे। अब इसको स्मारक के रूप में बनाना है, इस बात को प्रयास करने शुरू कर दिए माननीय योगी जी से प्रयास किए, एक रिपोर्ट मांगी गई थी यहाँ के प्रशासन के द्वारा कि यहाँ की रिपोर्ट दीजिए क्या है। जिला प्रशासन किसी भूलवश या अति उत्साहवश न मालूम क्यों मीना बाजार की कोठी के इस मैदान को और इस सबको शामिल करके उसने एक रिपोर्ट भेजी। इस मैदान में कई मुकदमे चल रहे हैं, इस कोठी पे कोई मुकदमा नहीं। ये जब सब सम्मिलित रिपोर्ट पहुंची तो पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव मेशराम जी ने फाइल उठा के अलग रख दी। मैंने जब उनसे संपर्क किया बोले कि अरे उसमें तो बहुत मुकदमे हैं। मैंने कहा मेशराम जी कोठी पर कोई मुकदमा नहीं है। बोले ये देखिए फाइल। उन्होंने फाइल की एक प्रति मुझे दे दी जो रिपोर्ट यहां से गई थी। मैंने पूरी स्टडी की, स्टडी करने का फिर मेशराम जी से मिला। मैंने मेशराम जी जिस चीज को हमको चाहिए नहीं उसके बारे में लिखा है, कोठी में कोई मुकदमा नहीं है, दूसरी रिपोर्ट मांगाइए। दूसरी रिपोर्ट मांगी गई है और भाई साहब की इतनी दिलचस्पी इसमें है कि हम सुस्त है, भाई साहब चुस्त है इस मामले में। यानी कल मेरे पास फोन आया होम सेक्रेटरी अवस्थी का, मैं जब फिरोजाबाद से लौट रहा था, बोले डॉक्टर साहब का फोन आया है भाई, उसमें क्या चल रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि वस्तु स्थिति ये, फाइल यहां पर अटकी हुई है, जिला प्रशासन के जिला अधिकारी को कोठी के बारे में बस लिखकर भेजना है, एसेसमेंट हो चुका है इसकी कीमत का। फिर मैंने उनको यह भी कहा कि इसको परचेस कर लीजिए, एक्विजिशन की एक लंबी प्रक्रिया है और खर्चा भी ज्यादा है। अधिनियम जो अधिग्रहण अधिनियम है उसके अनुसार शहरी क्षेत्र में कोई अधिग्रहण किया जाएगा तो दुगना पैसा देना पड़ेगा, परचेस करने पर सर्किल रेट का पैसा देना पड़ेगा। तो खैर वो एक प्रक्रिया है, वो पूरी होगी, लेकिन यह स्थल जब एक पर्यटन रूप के स्थल के रूप में बन जाएगा, यहाँ पर इस 100 फुट ऊंचे टीले पर 100 फुट ऊंची शिवाजी महाराज की मूर्ति और यहाँ पर संग्रहालय और भाई साहब के एक कल्पना है, समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो ये वो पर्यटन स्थल बनेगा आगरे का जो आने वाली नस्लों के लिए शिवाजी महाराज के कृत्यों से जो प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए, जो स्फूर्ति प्राप्त होनी चाहिए, वो आने वाली नस्लों को मिलेगी। ये वो बनेगा। इस संदर्भ में मैं महाराष्ट्र भी गया था, मुनगंटीवार जी जो वहां पर बहुत बड़े नेता हैं हमारे, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा हम टाई अप करने को तैयार हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, और वह और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की एक योजना बनी है। उस समय उस सब में आप भाई साहब का एक दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन और बहुत ज्यादा दिलचस्पी यह है। मेरा सौभाग्य कि एक काम भाई साहब ने मुझे सौंपा और मुझे एक अवसर मिला। करता है तो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये भी कृष्ण गोपाल जी है, कन्हैया ही है, इन्होंने दिशा निर्देश दिया है, तो उस काम को पूरा करें, भाई साहब का आशीर्वाद मिलता है, भाई साहब का दिशा निर्देशन मिलता रहता है, यह स्थान वो स्थान बने कि आने वाला पर्यटक पहले ताजमहल से पहले यह स्थान देखना पसंद। ये हम लोगों की इच्छा है, ये संक्षिप्त थोड़ा सा आज भाई साहब की प्रेरणा से जो हम आगे बढ़े हैं उसका परिचय था, मैं देना चाह रहा था उसको संक्षिप्त विवरण को, बाकी मैं पूरा संचालक महोदय को सौंपता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। इसी के साथ जो करुण उड़ान मुहिम संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र से हमारे बीच मौजूद हैं, एडवोकेट मारुति गोले जी, हम चाहेंगे आप भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें आपका सानिध्य मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आदरणीय मारुति गोले जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जीवन में आज ऐसा दिन आएगा ऐसा सोचे नहीं थे, बहुत खुशी का दिन है आज कि आज मंच पर
हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, इसके इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जिन्होंने प्रयास किया और पिछले 3 साल से महाराष्ट्र से जितने भी लोग आते हैं सभी का ख्याल रखते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति जितना आदर हमें है इससे कई ज़्यादा आदर यहाँ के जो मंत्री है आदरणीय योगेंद्र जी उपाध्याय जी, मेरे साथी यहाँ के उनके उपाध्यक्ष दिग्विजय जी और मेरे साथ आए महाराष्ट्र से सभी पांडे मामा जी है, मुकुलाना जी, अखिलेश जी है, छोटे ताई है, सभी का मैं यहाँ पे आभार मानता हूँ। एक ऐसा आज मौका मिला है, एक ऐसा आज दिन आया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज महाराष्ट्र से जिस तरह के अनुसार आगरा आए थे और आगरा की एक क्रूर अत्याचार औरंगजेब ने उन्होंने कैद करके रखा था, जो 99 दिन छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पे रुके थे मालूम नहीं था। महाराष्ट्र से भी जितने संशोधक थे, बाबा साहेब पुरंदर थे, जितना सरकार थे, शरणा जोशी थे, गह खरे थे, इन्होंने भी बहुत सर्च किया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज राम सिंह के साथ में कहाँ थे, राम सिंह के साथ में ये मालूम आखिर तक नहीं पता चला। लेकिन डॉक्टर सुगम आनंद जिन्होंने समिति में काम किया और जिस समिति का गठन आदरणीय उपाध्याय जी साहब ने किया था, इस समिति ने छत्रपति शिवाजी महाराज आदरणीय गोपाल जी साहब ने जो समिति का गठन किया था, इस समिति ने 3 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पे रुके थे ये उपलब्धि की कोटी, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज रहे थे इस कोटी को हम महाराष्ट्र के सभी 12 कोटी छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आदर करने वाले नमन करते हैं कि यहाँ पे 500 करोड़ का बहुत बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्मारक हो रहा है। अभी मंत्री जी भी बोले कि जब जब कोई भी शिवप्रेमी छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति और कोई भी आउट ऑफ इंडिया से कोई भी इधर आता है और जो आगरा की जो पहचान बननी है आगे के इसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक यही बनेगी। कोई ताजमहल पहले नहीं पूछेगा, कोई भी जो स्मारक से जाएगा वो पूछेगा कि छत्रपति स्मारक कहाँ पे, तो ये मीना बाजार कोटी में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम महाराष्ट्र से 12 कोटी आपका ऋण कभी भी नहीं फेर सकते, इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर आपने किया है कि एक स्मारक और नवीन नदी 99 डेज छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ पे रुके, वो छत्रपति शिवाजी महाराज विश्रामगढ़ में भी रुके थे, मनोहरगढ़ में भी रुके थे, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर सबसे ज्यादा दिन रुके तो ये राम सिंह की कोटी थी। 99 डेज यहाँ पे रुकना और यहाँ से खेत से छूटना, चातुर्दी ने 17 अगस्त और यहाँ से राजगढ़ जाना इस बड़े अवसर, वो कल बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है आगरा के फोर्ट के सामने, लेकिन आज का कार्यक्रम का ये बहुत हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा दिन है कि यहाँ पे एक स्मारक बन रहा है और इस स्मारक के लिए हमें यहाँ पे बुलाया है ये कार्यक्रम के लिए, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय रुक जाता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में आदरणीय गोपाल जी भाई साहब हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र से कुछ हमारे बंधु बहने आए हैं और आगरा का यह जो स्थान जहाँ हम लोग बैठे हैं ये जयपुर नरेश का है। जयपुर नरेश उन दोनों मुगलिया सल्तनत के दरबार में भी रहते थे और उनकी सेनाओं का संचालन भी करते थे। ये क्रम अकबर के समय से जारी था, तो अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब के समय मिर्जा राजा जयसिंह थे जो सबसे बड़े सिपहसालार थे और 11,000 घुड़सवारों की मनसबदारी उनके पास थी। वे शिवाजी को परास्त करने के लिए यहां से औरंगजेब के कहने पर गए। देखिए शिवाजी महाराज ने बड़ी चतुराई से कुशलता से उनसे मित्रता करी और हम दोनों देश के लोग आपस में लड़के मर जाएं, विदेशी शासन करें, या शासन को लिखा प्रजा राजा को समझ में आया, दोनों में संधि हुई, शिवाजी महाराज ने किले वापस किए और संधि के अनुसार शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ यहाँ आ गए, लेकिन उनको उचित सम्मान नहीं मिला, शिवाजी नाराज हो गए, शिवाजी को बाद में औरंगजेब ने
जेल में डाल दिया। लेकिन जो शिवाजी महाराज जसवंत सिंह और बजाय राजा देव सिंह की जमानत पर थे, उनकी गारंटी पर थे, उनकी सुरक्षा रखी जाएगी इसी शर्त पर भी आए थे, इसलिए औरंगजेब ने यही उचित समझा कि शिवाजी महाराज को मारा न जाए और मिर्जा राजा सिंह के बेटे राम सिंह के सुपुर्दगी में रख दिया जाए। 99 दिन में यहाँ रहे, लेकिन बड़ी कुशलता से, चतुराई से, समझदारी से, बुद्धिमत्ता से, हिम्मत से वे वापस चले गए। ये सबसे बड़ा एक आश्चर्यजनक प्रश्न विश्व के इतिहास का है। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कभी हुआ नहीं। औरंगजेब दुनिया का सबसे बड़ा उन्होंने शासक था, उसके पास लगभग 80-90 हजार घुड़सवार थे, दुनिया की सबसे बड़ी सेना उसके पास थी, और 1000 मजबूत सैनिक औरंगजेब की सेना के इसी कोठी के चारों तरफ दिनों रात 24 घंटा सुरक्षा देते थे कि शिवाजी निकल ना जाए, शिवाजी निकल ना जाए। और इन सबको चकमा देकर शिवाजी महाराज यहां से सीधे महाराष्ट्र की ओर नहीं गए, वो उल्टा दिल्ली की दिशा में चले गए, मथुरा चले गए। शिवाजी महाराज ने सारी रणनीति बनाकर रखी, अपने बेटे को मथुरा छोड़ दिया, मथुरा छोड़ करके प्रयाग चले गए, विपरीत दिशा में चले गए, प्रयाग से काशी चले गए, काशी से बिहार चले गए, चुपचाप एक बैरागी के वेश में घूमते घूमते कुछ महीने बाद वे अपने स्थान पर आ गए, महाराज पहुंच गए। न उनके बेटे का कुछ बिगड़ा, न उनके संरक्षकों का कुछ बिगड़ा, न उनके साथ आए सैनिक थे उनका कुछ बिगड़ा, उनके साथ आए 8 मंत्री थे वे भी सुरक्षित चले गए। दुनिया के इतिहास में एक ऐसा बहुमूल्य प्रश्न है यह, उनकी कुशलता का है, चतुराई का, बुद्धिमत्ता का है, उनकी हिम्मत का है, उनकी योजकता का है। लेकिन दुर्भाग्य से उनके इस प्रश्न को अंधकार में डाल दिया, इतिहास के बच्चों को भी पढ़ाते नहीं, इतना पढ़ा देते हैं एक मिठाई के टोकरे में ये निकल गए, बस एक पैराग्राफ पढ़ा देते बात खत्म कर देते, इतनी सरल बात है क्या? शिवाजी महाराज सैकड़ों लोगों को लेकर के आए थे, उनके साथ अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल था, उनके साथ उनका अपना बेटा था, उनके साथ लाखों रुपया था, उनकी कुछ योजना थी। योजना ये थी उत्तर भारत के राजपूत मिल जाएं, इधर हम मिल जाएं, मिलकर के दरबार में काम तमाम कर दो औरंगजेब का। शिवाजी महाराज चाहते थे मैं तुम्हारा ही राज तिलक करके वापस चला जाऊंगा, चिंता मत करो। ऐसी रणनीति बना करके भी आए थे, वो आधा सफल तो नहीं हुआ, ये सच बात है, वापस चले गए। औरंगजेब स्वयं एक पत्र लिखता है अंतिम दिनों में औरंगाबाद से, जब बूढ़ा हो गया, मराठों से लड़ते लड़ते थक गया, तो लगभग 1806 या 7 का उसका पत्र है, वो पत्र में लिखता है हमारी थोड़ी सी भूल कितने लंबे समय तक हमको परेशान करती है, शिवाजी हमको धोखा देके भाग गया, हम देखिए अभी तक लड़ रहे हैं आकर के महाराष्ट्र में, 28 साल तक लड़ता रहा औरंगजेब, महाराष्ट्र में वहीं पड़ा रहा। तो ऐसा कुशल नेतृत्व तो शिवाजी महाराज ने दिया, उनकी मृत्यु के बाद भी ये संघर्ष रुका नहीं, संभाजी लड़े, संभाजी की मृत्यु, संघर्ष रुका नहीं, और आगे बढ़े, बालाजी विश्वनाथ आए, पेशवा बाजीराव प्रथम आए, वो भी मर गए, अनेक लड़ाइयां जीत करके, संघर्ष रुका नहीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में फिर महाराष्ट्र 1,00,000 सैनिक यहाँ मृत्यु हो गई, संघर्ष रुका नहीं। बाद में दिल्ली का जो मुगल बादशाह है उसकी भी सुरक्षा देने का काम उन्हीं शिवाजी के सैनिकों ने बाद में किया। ऐसे आश्चर्यजनक लेकिन सारे हिंदू समाज के लिए गौरव रखने वाली गाथा जो है वो इस यहां से आगरा से सकुशल वापस जाने के बाद की है। यहां तो राजा नहीं थे शिवाजी महाराज, राजा तो मध्य बने, और इसलिए यहां से कैसे गए ये जो अध्याय है सारे हिंदू समाज के लिए ही नहीं सारे विश्व के लिए
एक आंख खोलने वाला ऐतिहासिक अध्याय। इस करिश्माई अध्याय के बारे में दुनिया जानती नहीं, हम भी बता नहीं पाते, इसलिए आगरा वासियों का विशेष रूप से, बाकी सारे देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है, उनके इस पवित्र स्थान पर एक अच्छा सुंदर स्मारक बने जो हिंदू समाज की निरंतर संघर्ष करने की शक्ति का प्रतीक बन जाए। ऐसी भी विपरीत परिस्थिति में हार न मानने वाला ऐसा शिवाजी महाराज का जो चरित्र है, और शेर को उसके घर के अंदर जाकर के ललकार करके बाहर बुलाने का जो उनका लड़ने का तरीका है, जो विश्व इतिहास में दुर्लभ है। शिवाजी महाराज सेनापति भी है, वो राजा भी है, वो स्वयं जाकर के लड़ते हैं, अफजलखान का पेट फाड़ने के लिए किसी को भेजते नहीं, स्वयं मारते, शाइस्ता खान के महल में स्वयं घुस जाते, स्वयं मारते, सूरत की लूट करने के लिए घुस जाते हैं, पूरा सूरत लूट करके रख देते, वही आगरा के इस औरंगजेब से मिलने के लिए लाल किले में स्वयं आते हैं। राजा भी है, सेनापति भी है, सैनिक भी है, कुशल योजक भी है, अच्छा प्रशासक भी है। शिवाजी महाराज वन इन ऑल, वे दयावान है, वे कृपावान है, वे धार्मिक भी है, वे गांव की रक्षा के लिए, देश में हिंदुत्व की रक्षा के लिए पूरा जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, और एक ऐसा आदर्श खड़ा कर देते हैं जब घोर निराशा है तो सारे हिंदू समाज के अंदर एक आशा का विलक्षण संचार कर देते हैं। आगरा के लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनका भव्य सुंदर स्मारक ऐसा बनाओ कि जो युग युग तक लोगों को ऐसा इंस्पिरेशन प्रेरणा देता रहे, यही इसके पीछे की अपेक्षा है। और मैं समझता हूँ यह कार्य शीघ्रता से जल्दी से अच्छे ढंग से पूरा होना चाहिए। योगी जी, एक तो आप पूरा कार्यकाल नष्ट कर दिए, 5 साल का कुछ किए धरे नहीं, ये उनमें से वर्णन तो बहुत सुंदर इन्होंने किया, परिश्रम तो पूरा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिणाम तो शून्य ही निकला अभी तक तो इनके परिश्रम की तो प्रशंसा की जानी चाहिए, परिश्रम तो श्रेष्ठ है, इस बात कोई दो मत नहीं है, दिन रात लगे रहे, सैकड़ों लोगों से मिले हैं, लेकिन परिणाम तो आ रहे, क्यों भाई साहब? नहीं तो ऐसा हो जाएगा, डॉक्टर कहेगा देखो भाई हम तो बहुत मेहनत किए, ऑपरेशन कर दिए, मरीज मर गया, हम क्या करें, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, क्यों भाई? तुम भी हमें हाँ मिला रहे हैं, अरे तुम तो कहो हाँ मेहनत किए थे, परिणाम क्या निकला? तो अब इस सत्र में आपको जनता ने दोबारा चुन करके भेज दिया, इसीलिए जाइए अधूरे काम पूरे करिए। तो भाई तो कहते थे हमारे पास ताकत नहीं है, मंत्री नहीं है, मंत्री भी बना दिया, और छोटा मंत्री है, कैबिनेट का मंत्री भी बना दिया, और क्या चाहिए आपको भाई? और छोटा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय बड़ा, और लोअर एजुकेशन हायर एजुकेशन मिल गया, सारे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आ गया, कराइए सेमिनार गया। अरे इतिहास के ऊपर आगरा में इसी विषय पर सारे इतिहास के प्राध्यापकों का सेमिनार क्यों नहीं कराते? कराओ, एक के बाद एक सेमिनार कराओ, इसी विषय पर कराओ, लेख लिखो, आलेख लिखो, प्रदर्शन करो, या कर ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट में राजनीतिक नेताओं को नहीं रखना, सावधानी बरतना। तो बाबा साहब पुरंदरे किसी नेता को रखते थे अपने यहां? जिन बाबा साहब पुरंदरे ने सारा शिवाजी के बारे में खोज किया, ये प्रदर्शनी बनाया, जानता राजा नाटक चलाते, नेताओं को थोड़ा सा आशीर्वाद के लिए दूर रखते, आप आशीर्वाद तो बस, तो ठीक है भाई, जल्दी से काम हो, यही शुभकामना है, अब ज्यादा विलंब मत करिए, ठीक है? चलिए हमारी शुभकामना, नमस्कार। आभार के लिए दिग्विजय। जय महादेव। मंच पर सभी मान्यवर और यहाँ पर उपस्थित आगरा की तमाम जन समुदाय और महाराष्ट्र के
अलग अलग जिलों से और गांव से यहां पर पधारे छत्रपति शिवाजी महाराज के सिपाही सालारों के वंशज, इनके तरफ से और गरुड़ जी मुहिम की तरफ से मैं आभार प्रदर्शन मुझे करने को बोला है। यहां पर मंच पे उपस्थित मेहमानों को मैं बताना चाहता हूं कि इस मुहिम में पिछले साल जो दूसरा पर्व था उसमें 70 से 80 लोगों ने ये शुरुआत की थी और जाते जाते राजगढ़ तक पहुँचते पहुँचते हम हजारों की तादाद में हमने उसका परिवर्तन करने में लोगों का मन जीत लिया। इस साल हमने एक योजना, मैंने और अध्यक्ष जी ने यह योजना की कि हर रोज अलग अलग जिले के टीम को न्योता देंगे और उनको इस मुहिम से जोड़ेंगे ताकि ये मुहिम हर गांव में, ये जो चार जो राज्य है जो मुहिम में जो आते हैं तो ये चारों राज्यों के गांव-गांव से इसमें लोग आए और ये मुहिम और बढ़ती जाए, सालों सालों तक ये टिकी रहे, यही हमारी ये इच्छा है। और मैं हमारी गरुड़ जेब मुहिम की तरफ से फिर से एक बार सभी का धन्यवाद देता हूँ और कल सुबह इस मुहिम की का शुभारंभ होगा, आप सभी लोग 9 बजे इस मुहिम का शुभारंभ होगा, आप सभी लोग इस मुहिम के लिए लाल किले के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक है उस स्मारक के सामने आप आइए और इस मुहिम का शुभारंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद छत्रपति शिवाजी महाराज।